प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ एवं सज्जन सिंह वर्मा के निर्देश पर आष्टा के सभी कांग्रेसियों ने पुराने बस स्टैंड पर इकट्ठा होकर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों की वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण महंगाई आज आसमान छू रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में आए थे, लेकिन आज आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। जहां पेट्रोल की कीमत 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, वहीं डीजल भी शतक लगाने के करीब है। पूर्व में पेट्रोल में 50 पैसे की वृद्धि होने पर शिवराज सिंह चौहान साइकिल से निकला करते थे, आज 25 से 30 रुपए बढ़ने पर उनकी साइकिल कहां खो गई है। किसान, व्यापारी, मजदूर सब परेशान है। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से खालिद खान की रिपोर्ट। हमारे आदरणीय नेता सज्जन सिंह वर्मा जी के आह्वान पे आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आस्था के सभी हमारे पदाधिकारियों द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है। ये धरना प्रदर्शन डीजल और पेट्रोल में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ किया गया है। नरेंद्र मोदी जी पहले बोलते थे कि पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं और अब तो आसमान से ऊपर निकल चुके हैं, और ये बोलते थे कि जो हमारा डॉलर है वो वेंटिलेटर पे, अब तो वेंटिलेटर से डॉलर को निकाल दिया, ये कहाँ गए? इनने पूरे देश को बर्बाद कर चुके हैं। आज किसान परेशान है। किसान हमारे 10,500 रुपये कुंटल के सोयाबीन लेके बोने के लिए तैयार है, उनको खाद और बीज नहीं मिल रहा है। किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी लोग परेशान है। मीठा तेल 2,000 से ऊपर बिक रहा है, आज कहाँ गए ये लोग? भारतीय जनता पार्टी का नारा है झूठ बोलो राज करो, अब तो जनता को चूस लिया है और जनता को अब जीने दो। मैं हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि ये सारी वृद्धि वापस लें, और जो ढोंगीपन है, जो आपकी जो झूठी वादे हैं और जो आप लोग जो झूठे वादे करते हो और जो घोषणा करते हो वो बंद करें। Subscribe now to most exciting channel ever.